हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 0.47 सेवन पे बार है, ठीक है, सेवन पे बार है, लेकिन आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है? टू। लेकिन बार किस पे है? ओनली वन डिजिट पे। बच्चे पजल हो जाएंगे, 100 से करें या 10 से करें, क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर? तो जिस पे बार होती है और जब टू डिजिट होती है तो बार एक पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आफ्टर डेसिमल की बात आ रही है तो आफ्टर डेसिमल टू डिजिट है, तो क्या करेंगे? 100 से करेंगे ना, तो दोनों डिजिट से करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेट्स आप हर इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये इक्वेशन आपकी है, ठीक है। यदि आप इसमें, मैंने आपको क्या बताया, बार तो एक ही पे है ना, वन टाइम पे है ना, वन डिजिट पे, तो हम लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट की बात हो रही है। तो मैंने इसको 10 से किया क्योंकि आपकी बार वन डिजिट पे है, ओनली वन, तो हमने लिखा 10x 0। अच्छा, इसको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, आपकी डिजिट ये है, मैं रफ वर्क भी साथ साथ समझा रही हूँ। बच्चे को यही चीज़ तो समझ में नहीं आती तो फिर वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन सोरा पैटर्न समझ लें इसका ध्यान से। देखिए बार इस पर ना, जब बार एक ही पर होगा तो हम इसके बाद क्या 4.7 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जिस पे बार होती है उसी को लिखेंगे बस। अगर मुझे 10 से करना है तो इसकी पॉइंट यहाँ से हटके एक डिजिट बाद ही तो जाएगी, क्योंकि 10 में तो एक ही जीरो होती है, इसका मतलब होता है वन डिजिट आफ्टर। तो आपकी डिजिट में क्या आ गया, आप ऐसे सर्कल करके पॉइंट के बाद इस समय टू डिजिट ले लेंगे, क्योंकि अभी 100 से भी करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने लास्ट में टू डिजिट लिया। कभी आप वन ही ले लो, तो इसलिए जो मैंने सर्कल अंडरलाइन किया बॉक्स में बनाया वही लिखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4.77, 4.77। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई आपकी, टू। अब बात किसकी आती है कि आफ्टर डेसिमल टू डिजिट है आपके पास, तो आफ्टर डेसिमल टू डिजिट होगी तो किससे करेंगे, 100 से करेंगे ना। तो अब 100 से करने के लिए वही प्रोसेस सब कुछ, ये इसको मैंने फर्स्ट पार्ट किया था और ये अब हम सेकंड कर, ये सेकंड का आंसर था, ये थर्ड का है, ठीक है। अभी करते हैं, पहले लिख देते हैं हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किसे, 100 से, इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट, फर्स्ट में ही करना है हमें सब कुछ, क्योंकि यही डिजिट लेनी है, इसी में 10 करा, इसी में हमने 100 करना है। अब हमने 100 किया तो ये तो 100x हो गया, इसको 100 से करेंगे तो 100x आएगा ना। ये देखो, ये भी सी से हो रहा है, ये भी नीचे सी से हो रहा है, 100x लिख दिया। अब इसको 100 करने के लिए रफली थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि बार तो आपकी 7 पे थी, तो मैंने 7 7 को किया। 100 से करने के लिए पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, नहीं, ये तो 10 से हो गया। 100 के लिए टू डिजिट, 1 2, क्योंकि 100 में कितनी जीरो होती हैं, टू होती है भाई, तो टू के बाद ही लगाएंगे पॉइंट, यहाँ से हट के वो यहाँ आ जाएगा। अब जिसमें मैं बॉक्स बना रही हूँ, ये देखो, ये पॉइंट जब यहाँ से कैंसिल हो गई तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है ना वैल्यू, तो किसकी है, इसके आगे डिजिट की और इसके बाद की, 4.77। 77 नहीं बोलते कभी भी डेसिमल की बात के डिजिट को, क्या बोलते हैं, आगे वाला तो 47 बोल सकते हैं, पॉइंट डेसिमल के बाद 77 बोलते हैं, वही लिखेंगे हम 4.47.77। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई आपकी, थर्ड। क्लियर ना, देखो ऊपर वाले पॉइंट के बाद मैंने टू डिजिट पे सर्कल लगाया था, ये टू थी ना, टू ली थी मैंने, तो मैंने यहाँ भी टू ली। ऐसा तो नहीं मैं आगे बढ़ती रहूँगी, क्योंकि इसमें 7 और भी तो होते हैं, कई बार सारे 7 लेने थोड़ी ज़रूरी होते हैं। तो प्रोसेस वही है, किस पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी ही इसकी ले लेते हैं हम, बस सीधी सीधी बात है। आप सिंगल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दो लेने, आप सिंगल भी ले सकते हो, तब भी आंसर जीरो आएगा। 77 में से 77 माइनस करेंगे तो भाई आंसर तो जीरो ही आना है। यदि 77 में से आंसर को माइनस करेंगे तब भी जीरो आएगा, कितनी भी बार 7 ले लेंगे आंसर तो जीरो ही आएगा, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और टू, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई 1 की, क्योंकि आपने दो लाइनों को, अब जब टू इक्वेशन बन जाती है तो टू इक्वेशन को ही सबट्रैक्ट करेंगे ना, 3 को थोड़ी करेंगे, 2 को ही करेंगे। तो 2 के लिए आप जब सबट्रैक्ट करेंगे
किसको? इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन टू, थर्ड में से टू को माइनस करना है, थर्ड में से टू को। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आगे हैं एक्स वाले पार्ट्स उनको यहाँ लिख लेना, जो पीछे वाले पार्ट्स हैं राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर देना, ब्रैकेट लगा लेना। क्लियर? 100 में से 10 गया 90x। अब इसको बच्चों को नहीं आ रहा तो इस तरीके से, ये आपके डिजिट है, ठीक है। पॉइंट है ना, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के आगे डिजिट क्या है, 4 ले लिया आपने, और पीछे क्या है 77 लेकर के आप इसको माइनस करेंगे, तो 7 में 7 गया 0, इसमें से क्या 3 एंड 43। जिस बच्चे को पता होगा जनरल नॉलेज में, वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा, माइंड लगाओ, थोड़ा माइंड शार्प करो माइंड को। किस तरीके से? देखो भाई 77 में से 77 पॉइंट के माइनस कर दो तो डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे, आगे पॉइंट लिख देंगे, सिर्फ रहा गया आगे पॉइंट के 47 और 4, 47 में से 4 को माइनस करेंगे 43, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम इसमें। ये तो मैंने इसलिए समझा दिया कि पॉइंट में अगर आपको करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 43 यहाँ लिख देती हूँ मैं 0, देखो पॉइंट के बाद की 0 वैसे कैंसिल, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, हट गया वो, बचा क्या आपके पास 90x = 43। अब आपको क्या प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू में, तो वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको समझाया, 90x = 43, एक्स आपकी सीट पर अल्फाबेट आगे, 43 यहाँ, 90 जो मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स से वो इधर आकर के डिवाइड हो गया, हो गया ना। तो आपने क्या इसको शो कर दिया पी अपॉन क्यू में, यही इसका आंसर है। क्लियर ना कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ सारा? चलिए, अगर आपको ये पसंद आया हो क्वेश्चन तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके बाय।